हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। आज हम खेलेंगे फीफा। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यार हेडशॉट कैसे मारते हैं। यार सच में बता रहा हूँ कि जो न्यू प्लेयर होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनको यार हेडशॉट इतने नहीं मारने आते। यार अभी थोड़े से न्यू प्रो नहीं होते हैं यार, उनको हेडशॉट मारने अभी नहीं आते। तो मैं आपको बताऊँगा हेडशॉट कैसे मारते हैं। तो पहले तो यार ये वीडियो कोई फेसबुक नहीं है यार, सच में ट्राई करना है हेडशॉट से, सच में बनूंगी यार। तो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करना ट्रेनिंग। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमारे सामने कितनी स्कोर है, मतलब कि आपके सामने वो चाहे चार जने हैं, मतलब कि आप डर जाते कि मैं चारों को कैसे डाउन करूंगा। पर यार वही चीज़, हमें डरना नहीं है यार। हम डर जाते हैं तो आपको हमें हेडशॉट मारने आते होंगे यार, फिर भी वो नहीं आएंगे, हम भूल जाएंगे हेडशॉट कैसे मारने। तो यार हेडशॉट तो मारने आते हैं आपको, पर हम भूल जाते हैं कैसे मारने हेडशॉट, क्योंकि हमारे सामने बंदे आ जाते हैं चार पाँच। यार हमें वैसे डरना नहीं है, हमें उनको मारना है, चाहे विश्वास रखना है पूरा, हम मार देंगे बंदों को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको, जैसे मैं कोई भी गन लेनी है, जैसे थॉम्सन होगी, आपको जरूरी नहीं है कि हमें ये गन लेनी है। तो यार जो उसी गन में आप अच्छे हो ना, वही गन चाहिए हमको। जैसे कि कोई जने अच्छे होते हैं, मैं तो यार MP5 ही चलाता हूँ ज़्यादातर। तो यार कोई लोग कितने MP40 अच्छी तरीके से ला देते हैं यार, सबका अलग अलग हिसाब होता है यार। वैसे ही आपको भी कोई भी गन ले लो जिसमें आप हेडशॉट मार सकती हो, जहाँ जिस पर आपको पूरा विश्वास है, हाँ यार मैं इस गन से हेडशॉट मार सकता हूँ, तो आप उसी गन से हेडशॉट मार सकती हो यार। वह कोई भी गन मत उठाओ। जैसे कि आपको थॉम्सन अच्छी लगती है, तो मतलब कि आपको लगता है कि मैं इसमें हेड मार लूँगा, यार आप उसमें भी हेड मार सकती हो। तो चलिए यार फर्स्ट पॉइंट है हमारा तो गन का तो हो गया। तो सेकंड पॉइंट है तो आपको फायर साइज़ बटन कितना रखना है। हाँ यार फायर साइज़ बटन तो बहुत ही ज़रा मेन पॉइंट है कि हमको फायर साइज़ बटन कितना साइज़ रखना है उसका। तो पहली बात है फायर साइज़ बटन हम बड़ा रख देंगे तो यार हमें ऊपर जब हम ड्रैग करेंगे ऊपर को, तो यार हमें स्पेस उतनी नहीं मिलेगी कि ऊपर से गन स्विच का ऑप्शन आ जाता है कि हमारी गन स्विच होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो यार फायर साइज़ बटन छोटा सा रखना है। पहले तो आप प्रैक्टिस कर लो। मेरा तो यार 20 है फायर साइज़ बटन। हमें ऊपर को ड्रैग जब करते हैं ना, तो यार स्पेस मिल जाती है जब हम छोटा फायर साइज़ बटन रखते हैं। तो हम जितना छोटा फायर साइज़ बटन रखेंगे यार उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जब हम बड़ा रख लेंगे फायर साइज़ बटन, कोई जने 50-60 रख लेते हैं, उनको स्पेस नहीं मिलती इतनी ड्रैग करने की ऊपर। हम जब ड्रैग करेंगे तो यार स्पेस ख़त्म हो जाती है, तो हेडशॉट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब भी हम फायर साइज़ बटन छोटा रखें तो यार उससे हेडशॉट बजने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यार हमें स्पेस मिल जाती है। हम पहले तो यार डायरेक्ट आप 20 नहीं रख सकते, या फिर आपका हाथ भी नहीं रखेगा। पहली बात तो पहले यार आप 40 या 35 के बीच में रखो। आपको जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यार आप 30 के 25 के बीच में रखो। जब आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यार आप 20 के 15 के बीच में, नहीं आप 20 सीख जाएगा यार, आप आराम से मार सकते हो हेडशॉट इजीली। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि यार मैं आपको हेडशॉट नहीं दिखाना चाहता कि मेरे मैं अकाउंट कैसे मारता हूँ हेडशॉट, मैं वो नहीं दिखाना चाहता। मैं ये दिखाना चाहूँगी आप कैसे हेडशॉट मारो। अगर ऐसे हेडशॉट मारो तो यही पॉइंट हो गया कि हमें फायर साइज बटन छोटा सा रखना है। और मैं एक और चीज़ बताने लगा हूँ कि हमें डबल किल। तो आपको ड्रैग कैसे करना है, तो यार कई लोग डर लगते हैं कि हमें ड्रैग कैसे करेंगे। तो यार आप मेरा फायर साइज बटन देख देखते हो कैसे रखा हुआ है, और आप मेरे फायर साइज बटन को देखो क्योंकि मैं कैसे ड्रैग करता हूँ। तो आपने वैसे ही ड्रैग करना है यार। एक बंदा हमारा नो हो चुका है, हमें वैसे ही ड्रैग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ यार। कोई हमें टेढ़ा वेढ़ा नहीं लेके जाना, क्या टेढ़े में से एम सीधा हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, मेरा हेडशॉट नहीं लग पाता। तो यार ऐसे हमें गलतियाँ नहीं करनी, छोटी मोटी गलतियों से यार हमें इलेमिनेट हो जाते हैं। और हमें तो यार अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा था यार, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यार आगे शुरू करते हैं। तो मेरा फायर साइज बटन देख सकती हूँ मैं कैसे ड्रैग करता हूँ, देख लेती हूँ ऐसे ड्रैग करना है हमको। यार हमें इसकी सबसे ज़्यादा मैं तो यार आपको बता दूंगा, और आप आगे जाके मेरी वीडियो देख लो तो यार अब अप्लाई ना करो यार। ऐसी नहीं मैं आपको बता दूँ तो आपको हेडशॉट आ जाएंगे आसानी से, नहीं यार ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा यार। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे भी यार। ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बता दूँगा और आप हेडशॉट मारने आ जाएंगे आपको, नहीं यार ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है ट्रेनिंग में। हाँ यार ट्रेनिंग इस पर सबसे बेस्ट चीज़ है, तो जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है
अब मैं आपको हेडसेट बताऊंगा कैसे करनी है, तो वैसे ही चीज़ है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में चीज़ करो तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आप हेडसेट मारने में प्रो बन जाओगे यार। तो पहले तो फाइव साइज बटन की भी ट्रेनिंग करनी है, उसमें थोड़ा सा औखा होगा क्योंकि फाइव साइज बटन बड़ा होता है, तो हमें जितने बच्चे भी फाइव साइज बटन अपने अकॉर्डिंग रखा, 50-60 बंदों ने रखा होता है फाइव साइज में साइज, तो हम उधर ही क्लिक करते हैं तो हेडसेट लग जाता है। तो छोटे फाइव साइज बटन में ये दिक्कत होती है, हमें उस पर क्लिक करना होता है जहाँ पर हेडसेट साइज है, हमें उस पर क्लिक करना है, इसके भी थोड़ी सी बहुत दिक्कत आएगी। पर आप घबराना मत यार, ट्रेनिंग में इसकी प्रैक्टिस तो हेडसेट जरूर लगे, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ कि हेडसेट लगेंगी। तो आप ट्रेनिंग में भी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना यार। तो यार आज की वीडियो में सीखने के मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बाय बाय।